Having done the notice now, we move to the next part of our understanding of language as prescribed in your course, and that is letters. Letters. You might be wondering what is there in the letter, but don't forget. That letter also has a standard format. You see this letter? Looks very standard. There is some procedure. And there are many types of letters. We will try to understand them one after the other. But before we go, let us try to understand what a letter means to us. A letter is a means of communication between two people. And particularly, it is a written means of communication. A letter is a written means of communication. Ek likhit jariya ek se ek se ka, ek likhit jariya And it is written by one for the other person, not for public. Letters are never public. It may be a different thing that I might make your letter public. हो सकता है कि आपने मुझे चिट्ठी लिखी और मैंने उसे पब्लिक को दिखा दिया बट एक्चुअली द लेटर वॉज रिटर्न टू मी यू सो वन पर्सन राइट टू अनदर पर्सन नॉट फॉर पब्लिक पर्प राइट दैट इज वॉट इज लेटर एंड इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन और ये लिखित संवाद है न लेट्स कम टू दाइप ऑफ लेटर्स वेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लेटर्स it has many varieties like ads have many variety notices have many variety so is the case with letters. Uh, broadly speaking we can say that there are two broadly two types of letters one is business letters and second is official letter business letter and official letter but then third and fourth type also are common these days. One is, third is the letter to editor, and fourth is the application for jobs. Applications are also letters, that means, what you need to understand is, Avedan bhi hi hoti hai. applications are also letters. Application for appointment, application for job, application to bring something, and so on and so forth. ये भी लेटर ही कहलाएंगे पत्र ही कहलाएंगे सो फर्स्ट इज बिजनेस लेटर बिजनेस लेटर व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स आर देयर फर्स्ट इज वी कैन से दैट इट इज फॉर प्लेसिंग ऑर्डर सेकंड इज फॉर एंक्वायरीज third is for uh, for placing order as i said and so on and so forth fourth is for cancelling order and so on and so forth so for enquiries is something very important second is for replying third is for ordering and cancelling and there can be they can be further subdivided replying to whom that can also be different type but mostly बिजनेस लेटर्स आर इन द नेचर ऑफ़ इंक्वायरीज इन्क्वायरी मतलब सवाल सवाल किस तरह का क्या इंक्वायरी बिजनेस लेटर में यदि मुझे बिजनेस लेटर लिखना है आपको या किसी एक व्यापारी को बिजनेस से संबंधित है तो मैं लिखूँगा कि प्लीज़ लेट मी नो द फॉलोइंग नेम ऑफ द प्रोडक्ट आइटम सो एंड सो फोर और या कुछ बात हो गई हो बिजनेस से संबंधित उसको वहाँ लिखूँगा तो इंक्वायरीज रिप्लाइंग ऑर्डर कैंसलेशन एंड ऑर्डर प्लेसिंग एंड सच मैटर्स रिलेटेड टू बिजनेस व्यापार धंधा काम के बिजनेस लेटर मतलब काम के किसी स्पेसिफिक पर्पस से जो आपको लिखा जा रहा है वो बिजनेस लेटर एंड सेकेंड टाइप आई सेड आर ऑफिशियल लेटर ऑफिशियल लेटर्स क्यों रहते हैं आधिकारिक पत्र ऑफिशियल लेटर्स में क्या रहता है या तो रिक्वेस्ट रहती है मैं कलेक्टर को लिखता हूँ या मैं प्रिंसिपल को लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा प्रिंसिपल से कुछ अनुरोध करूँगा आई आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट माई सन हाफ डे लीव एंड परमिट मी टू टेक हिम होम रिक्वेस्ट हुआ ऐसी रिक्वेस्ट के अलावा ऑफिशियल लेटर में अपील भी होती है आई अपील टू यू टू काइंडली अलाउ माई सन सो एंड सो इट्स एन अपील अनुरोध एक तो हो गया रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मतलब और एक हो गया अपील अपील मतलब अनुरोध इसके अलावा जो तीसरा जो लेटर होता है वो होता है एक कंप्लेंट का शिकायत का कि हम शिकायत कर रहे हैं कि ये आ, मेरे द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है कि आपके यहाँ ऐसा 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 हो रहा है गलत काम हो रहा है या ऐसी ऐसी घटना हुई है या आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस, इस शिकायत का निराकरण करें सो ऑफिशियल लेटर्स आर आइदर अपील और दे रिक्वेस्ट और दे आर एंड सो ऑन सो फोर्थ ये आधिकारिक होगा द थर्ड टाइप ऑफ लेटर्स आई सेंड आर द लेटर्स टू एडिटर्स एडिटर मतलब पत्रिका या न्यूज़पेपर के संपादकों को जो चिट्ठी लिखी जाती वीडियो बनाने वालों को जो चिट्ठी लिखी जाती है वो कहलाती है लेटेस्ट टू एडिटर जो सामान्यतः किसी मुद्दे को लेकर होती है हम लिखते हैं पत्रकार को चिट्ठी तो किसी एक मुद्दे को लेकर लिखते हैं कि आपने ऐसा ऐसा जो लिखा है आपने पत्र में जानकारी गलत है या हम लिखते हैं कि देश में जो ऐसा ऐसा हो रहा है रायपुर में एक घटना हुई इस पर आपने जो लिखा है उस पर मैं ये बात और बोलना चाहता हूँ सो लेटर टू एडिटर इज समथिंग लाइक किसी काइंड ऑफ सजेशन ऑन इशू इट्स ए काइंड ऑफ सजेशन आई एडवाइस सम सजेशन सुझाव सो नॉर्मली ये सुझाव के रूप में रहते हैं जो पत्र जो हम संपादकों को लिखते हैं और चौथा है एप्लीकेशन फॉर जॉब्स नौकरी के लिए जैसा मैंने पूर्व में बताया आवेदन भी लेटर की श्रेणी में आते हैं और आवेदन किस लिए होते हैं सामान्यतः नौकरी के लिए होते हैं तो ये ये जानने के बाद कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं एक रफ आइडिया अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं पत्र के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं क्योंकि पत्र की भी अपनी बॉडी होती है बिजनेस लेटर को लिखने की तरीका अलग होता है और ऐसी ऑफिशियल लेटर लिखने का तरीका अलग होता है तो लेटस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू राइट लेटर क्योंकि ये जो हम सब पढ़ रहे हैं उसके पीछे मकसद ये है कि आप सही तरीके से चिट्ठी लिखना सीखें यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट टू समन एंड वॉट टू राइट कैसे लिखना और क्या लिखना हर चीज़ की एक शैली होती है एक कला होती है चिट्ठी लिखना भी एक कला है राइटिंग लेटर इज ऑल्सो एन आर्ट सो नाउ लेटर्स प्रोसीड फर्दर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स जैसा मैंने बताया द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ बिजनेस लेटर व्यापारिक पत्र व्यापारिक पत्र की बॉडी क्या होती है इट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ लेटर्स सेगमेंट्स क्या हिस्से होते हैं सेगमेंट मींस हिस्से एक चिट्ठी खोले हम व्यापारिक चिट्ठी तो उसमें क्या क्रम रहता है किस क्रम में क्या लिखा जाता है There is a particular way of it. So, in business letter, the first thing that is written is on top. You find the name of the sender. pata. On the top left. Name of the sender and his address. full stop

फिर उसके बाद आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी एड्रेसी मतलब क्या होता है जिसको एड्रेस किया गया है जिसको भेजा जा रहा है वह कहलाता है एड्रेसी सो एड्रेसी का नाम और उसका पता यह हुआ तीसरा हिस्सा उसके सेगमेंट थर्ड सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस लेटर और ये भी जो लिखते हैं एड्रेस का नाम एड्रेसी का नाम एस -E, ये दो लाइन का गैप देंगे किसके दो बाद दो लाइन का गैप डेट के बाद देयर टू बी गैप ऑफ टू लाइन राइट तो आपका तीन या चार लाइन में एड्रेसी का नाम और उसका पता आया उसके बाद अगली लाइन में आता है सेल्यूटेशन इस पार्ट को बोलते हैं सैल्यूटेशन व्हाट इज सेल्यूटेशन सेल्यूटेशन मतलब किसी को जब हम संबोधित करते हैं तो हम डियर मिस्टर मिसेस मिसर्स ये सब लिखते हैं ये सैल्यूटेशन कहलाता है संबोधन किस शब्द से हम संबोधन कर रहे हैं ये बना है शब्द टू सेल्यूट से किससे हम सेल्यूट करते हैं उसके सेल्यूटेशन क्या वर्ड क्या है यदि महिला है तो मिसेस या मिस पुरुष हैं तो मिस्टर। थोड़ा सा निकटता दिखानी तो डियर और यदि कंपनी को लिख रहे हैं तो मेसर्स। मेसर्स की स्पेलिंग क्या होती है एम ई डबल एस आर एस मेसर्स। फॉर द कंपनी किसी कंपनी को एड्रेस कर रहे हैं तो तो ये हो गया सेल्यूटेशन का भाग और सेल्यूटेशन कौन सा भाग है इस चिट्ठी का बिजनेस लेटर का चौथा भाग होता है सेल्यूटेशन हमने लिखा मिस्टर एक्स वाई जेड नाम अगले जो है उसके बाद होती है चिट्ठी जो चीज़ हमको लिखना है उसको वहाँ पर संक्षिप्त में लिखना बिजनेस लेटर याद रखेंगे दे आर ऑलवेज ब्रीफ they are always to the point and they are always formal. बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि business letter में कोई निकटता नहीं बताई जाती संबंधों की निकटता उसमें नहीं दिखाई देनी चाहिए Business letter formal letter होता है informal नहीं होता सीरियस लेटर होता है बिजनेस लेटर कैजुअल लेटर नहीं बिजनेस लेटर को हल्का फुल्का नहीं लेते उसकी भाषा बड़ी सीरियस रहनी चाहिए क्योंकि वो एक तरीके से आधिकारिक भाषा सो बिजनेस लेटर शुड बी टू द पॉइंट एंड ब्रीफ एंड फॉर्मल दैट इज द फिफ्थ पॉइंट टू नो अबाउट द कंटेंट सो आई स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव फर्स्ट योर ओन एड्रेस जो लिख रहा है उसका नाम और पता देर आफ्टर द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर देन लीव टू लाइन्स एंड यू हैव द नेम ऑफ दी पर्सन होम यू आर राइटिंग एंड हिज एड्रेस कई बार डेट को राइट में लिखते हैं दैट्स नथिंग रॉन्ग मैनी टाइम द डेट्स आर रिटर्न द राइट टॉप दैट्स फाइन सो नेक्स्ट इज आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर वॉट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर कॉम्प्लीमेंट्री देखिए कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग क्या है C O M P L I C O M P L E नहीं है दोनों में अंतर है आई एम टॉकिंग अबाउट सी ओ एम पी एल आई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्लोजर मतलब समापन किस चीज से हम समापन करते हैं और जिससे समापन करते हैं उस पत्र का वह कॉम्प्लीमेंट्री रहता है तो क्या है वह समापन के शब्द क्या होंगे समापन के शब्दों में आता है yours फेथफुली योर फेथफुली नहीं योर ट्रूली नहीं योर सिंसियरली नहीं वो है योर्स वाई ओ यू आर एस तो योर्स ट्रूली योर सिंसियरली योर्स फेथफुली ये जो शब्द हैं दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री क्लोजर वर्ड्स राइट एंड दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर सिक्स्थ सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर पूरी चिट्ठी का वो छठवां भाग हम मान सकते हैं एंड सेवेंथ एंड द लास्ट आफ्टर राइटिंग योरस ट्रूली योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली uh, साइन होता है हस्ताक्षर होते हैं और चूंकि ये बिजनेस लेटर है जिसने हस्ताक्षर किया है या जो लिख रहा है वह अपना पद भी लिखेगा डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन मतलब पद डेजिग्नेशन यानी पद पोस्ट जिस पोस्ट पर वो व्यक्ति है उस पोस्ट का नाम जरूर लिखेगा अपने नाम के नीचे Right, so this is how your there are seven segments to the business letter. This is about business letter, and now you see, let us see all business letters one by one. There are many types of letters that you can see here, and there are plenty more at other places in your books reference books website and youtube etc etc but you find them one by one here these are all business letters and you will find them all that by and large by and large but mota mota by and large the sequence is same the segment is same the order is same the content size is also similar

यदि मैं चिट्ठी लिख रहा हूं तो मेरा नाम पद और पता सबसे ऊपर आएगा सबसे ऊपर ताकि चिट्ठी पाने वाला चिट्ठी खोलते ही ऊपर देखता है किसने लिखा यदि उसके काम का है तो पढ़ेगा नहीं काम का है तो संबंधित व्यक्ति को भेज देगा सो वाई इज नेम ऑन द टॉप सो दैट द पर्सन हु रिसीव द लेटर Who has been addressed that letter, he can make out immediately and find out who is the writer of the letter. Am I clear? So, this is about business letter. Now, the next one is official letters. What are the official letters? In official letters, we are normally uh, dealing with the heads of different organizations. अलग अलग संस्थाओं के मुखियाओं को लगभग जो लिखा जाता है वो ऑफिशियल uh, लेटर होता है पहली बात अनलाइक बिजनेस लेटर बिजनेस लेटर कैन बी टू एनी पर्सन इन ए कंपनी इन ए फैक्ट्री और एनी थिंग बट ऑफिशियल लेटर इज नॉर्मली रिटर्न टू हेड ऑफ़ कंपनी हेड ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सोट नॉर्मली डू नॉट टेक इट एज ए लॉ बट नॉर्मली The second point about this official letter is it is normally remedial in nature. Now, remedial means remedy means r e m e d y. Remedy means ilaj. Remedial in nature means through this letter, the writer wishes to mention some problem for its treatment. इन ऑफिशियल लेटर ऑफिशियल लेटर में सामान्यतः कुछ समस्या लिखी जाती है उसके इलाज के लिए इट्स ए रेमेडियल इन नेचर रिमेम्बर जनरली दो वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ लेटर वी विल कम अक्रॉस देम बट देन जनरली यू अंडरस्टैंड यूजली रिटर्न ऑफ डिपार्टमेंट सम एंड बेसिकली इट इज इन द नेम ऑफ रेमेडियल नेचर When it comes to official letters, we can just as business letters are divided into uh, I think four types that we divided business letter inquiry letter, thereafter um, order cancellation and order letter, the third is letter regarding replies and so on. Official letters are also of two types, broadly speaking. Number one, government or uh, uh, private. Second is लेटर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये दोनों थोड़े अलग अलग हैं पहला क्या है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड दूसरा लेटर्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स टू मोर पॉइंट्स ऑन लेटर राइटिंग रिगार्डिंग इट सेगमेंट्स सेगमेंट मीन द पार्ट ऑफ द लेटर राइटिंग फर्स्ट इज वेन यू हैव सेल्यूटेशन सैल्यूटेशन मीन्स यू अंडरस्टैंड द प्लेस वेर वी एड्रेस सर एंड सो सो फोर्थ सर या मिसर्स या मिस या मिसेस ऐसा लिखते हैं जो मै सेल्यूटेशन कहलाता है उसके ऊपर सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज सब्जेक्ट विषय सब्जेक्ट मतलब विषय तो प्लीज नोट दैट जस्ट अब सैल्यूटेशन यू हैव वन एडिशनल स्पेस एडिशनल लाइन वेयर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज रिटन, क्या रहेगा उसमें किस विषय पर आप ये चिट्ठी लिख रहे हैं उस विषय को चार पाँच छः शब्दों में लिखना है ताकि पढ़ने वाला जिसके लिए जिसको हमने लेटर लिखा है वो सब्जेक्ट देख के समझ जाए कि किस विषय पर ये चिट्ठी लिखी गई है और तब वो आगे बढ़ता है तो वन इज द सब्जेक्ट आफ्टर सैल्यूटेशन द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू नो इज एप्लीकेशन इज ऑल्सो ए लेटर इन एप्लीकेशन फॉर जॉब्स यू हैव टू एड वन मोर थिंग एंड दैट इज बायोडाटा बी आई ओ डी ए टी ए बायोडाटा वॉट इज बायो डाटा बायो डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड सी वी curriculum विटे जिसमें व्यक्ति का विवरण रहता है उसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन रहता है जन्म पैदा कब हुआ कहाँ बॉर्न हुआ अनुभव क्वालिफ़िकेशन थोड़ा सा पेरेंट्स के बारे में और कुछ और ख़ास बात हो तो इसका विवरण जो कैंडिडेट भेजता है किसी को जॉब के लिए उस विवरण को कहते हैं बायोडाटा या करिकुलम विटे करिकुलम विटे सी वी सो एप्लीकेशन फॉर जॉब में वहाँ पर ये करिकुलम विटे बायोडेटा को जोड़ना जरूरी है एक अतिरिक्त शीट आपके कवरिंग लेटर के साथ रहेगी और ऐसा ही सैल्यूटेशन के ऊपर हर तरह की चिट्ठी में सब्जेक्ट रहना आवश्यक है सो दिस इज अबाउट योर लेटर एंड यू कैन सी द ऑफिशियल लेटर्स ऑफ एन टाइप्स ऑफिशियल लेटर्स ऑफ एंड टाइप्स मीन्स सभी तरह के ऑफिशियल लेटर आप देख सकते हैं जिसमें किसी में शिकायत है किसी में अनुरोध है किसी में आ, कुछ मुद्दे को उठाया गया है किसी में कुछ अन्य बातें हैं आदि 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 तो इससे हमको कोई इतना ताल्लुकात नहीं है कंटेंट से लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सब लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन ये जानने के बाद थोड़ा सा हम चलें नोट मेकिंग की ओर व्हाट इज नोट मेकिंग अनसीन पैसेज मतलब ऐसा पैराग्राफ जो पढ़ा नहीं गया और कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ तो हमने कोशिश की शुरू में कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हल किया जाए कॉम्प्रिहेंशन से आए हुए प्रश्नों को कैसे हल किया जाए और उसके बाद अनसीन पैसेज को कैसे किया जाए एक नोट्स भी आपके कोर्स में है हाउ टू मेक नोट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोट नोट का अर्थ क्या है एक तो होता है नोट यानी टिप्पणी नीचे किसी जगह किसी डॉक्यूमेंट के नीचे अफसर लोग लिखते हैं नोट और फिर उसके बाद कोलन या डैश लगाकर फिर कुछ बात लिखते हैं वह तो टिप्पणी कहलाई यह। लेकिन यहां टिप्पणी से हमारा तात्पर्य नहीं है पॉइंट नहीं है बाय नोट आई मीन हाउ टू प्रिपेयर समरी एक नोट क्या होता है एक कल्पना करिए एक पैराग्राफ है ये दे पैराग्राफ इस पैराग्राफ में सब कुछ है कई ऐसी वाक्य भी हैं ऐसी बातें भी हैं जो हमारे काम की नहीं है जिसका कोई विशेष औचित्य नहीं है नोट बनाते समय हमें काम की चीज को निकालना होता है और बेकाम चीज को छोड़ देना होता है दूसरे शब्दों में अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग में अंतर यह है कि अनसीन पैसेज को सामान्यतया हम लोग उसके प्रश्नों को पढ़ने के बाद अनसीन पैसेज को पढ़ के उसका हल करते हैं बट इन द नॉर्थ वी हैव टू रीड द पैसेज फर्स्ट इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अर्लियर दैट अनसीन पैसेज जनरली इन ऑर्डर टू कट डाउन ऑन टाइम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी सेव टाइम वी डोंट स्पेंड टाइम इन रीडिंग द होल अनसीन पैसेज विच मे बी डिफिकल्ट इन मैनी वेज़ so reading again reading third time reading just to solve few questions of about 12 mark no point so we had suggested i had suggested that it be done afterward you must first read the questions and then answer the note making or then answer the read the passage read the lines in the passage but here when it comes to note making in note making यदि क्वेश्चन आता है तो पहले आपको पैसेज को पढ़ना होगा यू विल है क्या जो पैराग्राफ है जैसा आप देख रहे हैं उस पैराग्राफ को संक्षिप्तीकरण करना नोट मेकिंग कहलाता है पैराग्राफ को संक्षिप्तीकरण करना उसमें बहुत सी बातें लिखी बहुत से बिंदु लिखे हुए हैं मेरे काम की जो बात है उस पैराग्राफ में उसको मैं एक शॉर्ट में लिख दूं सो व्हाट इज नोट मेकिंग संक्षिप्तीकरण हाउ डू वी डू दैट सबसे पहले उसका एक शीर्षक हम देखते हैं कि क्या है किस विषय पर है किस मुद्दे पर है दूसरा सत्तर अस्सी वर्ड में कोशिश करते हैं उसके बिंदुओं को लिख दें उदाहरण के लिए यह पैराग्राफ आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में दो तीन अलग अलग बिंदुओं पर बातें की गई हैं तो जो दोनों तीनों बिंदु हैं हर बिंदु पे जो दो दो बातें हैं उसको नोट कर लिया सो देर अबाउट सिक्स पॉइंट्स ऑन थ्री मेन पॉइंट्स देर आर थ्री मेन पॉइंट्स ईच मेन पॉइंट एज अबाउट to sub point in other words we can also say that you first you read the passage carefully write down the topic and sub topic write down the topic and sub topics from that passage what are the topics in that passage <laughs> और जिन बातों पे बात कर रहा है उन बातों पर क्या क्या बिंदु हैं उसको सब टॉपिक कहते हैं तो राइट डाउन द टॉपिक्स सब टॉपिक्स दैट्स वन सेकेंडली प्रिपेयर ए समरी ऑफ अबाउट सिक्सटी 70 लाइन्स ऑन दम साठ सत्तर लाइन का उस पैसे जो पैसेज है वो करीब तीस लाइन का होगा थर्टी लाइन्स में अबाउट फोर हंड्रेड वर्ड्स आते हैं सो so, 400 हंड्रेड वर्ड्स को रिड्यूस करके करीब 70 अस्सी लाइन में उसको लिखना है यू हैव टू रिड्यूस इट टू अबाउट 80 वर्ड्स नॉट 70 अस्सी लाइन बट 70-80 वर्ड्स 70-80 वर्ड्स मीन्स अबाउट 8 टू 10 लाइन्स नॉट मोर देन 10 लाइन्स शुड देयर बी इन द नोट शॉर्ट नोट एंड देन लास्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू लुक फॉर द टाइटल ऑफ दैट पैसेज नोट मेकिंग में जो सवाल आता है उसमें आपसे आपको एक पैसेज दिया जाएगा और कहा जाएगा इस पैसेज को पढ़ने के बाद राइट डाउन द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड गोइंग बाय द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स यू हैव रफली थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन one is topics and subtopics mentioned the second is write a summary of about 70 80 lines on them and the last will be uh, please advise a title suggest a suitable title for this so with this the idea behind preparing note is in future after reading the passage you don't have to spend time again and again in reading the whole passage again. You can just read the note and you will understand what all is said in the uh, paragraph, in the passage. Pariksha, what do you do? Answers their points to the point, brief point. Pariksha, you You prepare a short summary of the answer. ए गुड स्टूडेंटवेज प्रिपेयर शॉर्ट समरी ऑफ लॉन्ग आंसर राइट देम टू द पॉइंट जब आप पैराग्राफ किताब में पढ़ते हैं वैन यू रीड योर ओन बुक दैन ईच पैराग्राफ यू मस्ट मेक सम नोट ईच पैराग्राफ वॉट आर द सॉलिड पॉइंट एक अंग्रेजी में मुहावरा है टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चैफ सी एच ए डबल एफ ग्रेन मने अनाज और चैफ मने बुरा दूसरे शब्दों में नोट मेकिंग वह काम है जिसमें आप बुरादे को अनाज से धान से अलग करते हैं यानी काम की चीज़ को अलग करके बेकाम चीज़ को फेंक देते हैं त्याग देते हैं तो एक बार यदि आपने नोट मेकिंग कर लिया किसी पैराग्राफ में तो आगे आपको बार बार पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं नोट विल बी सफिशेंट टाइटल आप देख लेंगे समझ जाएंगे ये पैराग्राफ किस पर है टॉपिक सब टॉपिक से आप समझ जाएंगे कौन कौन से बिंदुओं को इस पैसेज में छुआ है और लास्ट समरी से आप समझ जाएंगे कि इसमें मूल रूप से क्या लिखा है सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नोट मेकिंग नाउ एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन नोट मेकिंग एंड अनसीन पैसेजेस अनसीन पैसेज रिमेन्स अनसीन till you have read the question. you have to read the question first to be a fast learner, to be a smart operator. smart answer, then have smart apnana, bache energy, bache, so, read the questions and then go to the unseen passage. but note-making you have to read the passage first and then answer the question based on that. Or, पास एग्जाम्पल्स में यही दो तीन बातें जिसमें टाइटल टॉपिक सब टॉपिक और सत्तर अस्सी वर्ड्स में उसकी समरी दिस इज वॉट इट इज आस्ट अबाउट यू सी ऑल द नोट्स योर सम एग्जाम्पल्स आर हियर ऑफ द नोटिंग डिफरेंट एग्जाम्पल देयर नॉट बी वन डे ट्रिक एक दिन में दो दिन में पाँच दिन में हम नोट मेकिंग नहीं सीख सकते लेकिन थोड़ा सा जी आप दिमाग लगाएं तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या है और उसी जो जो चीज़ आपने संक्षिप्त में समझी क्या है उसी को निकाल के लिख देना नोट मेकिंग कहलाता सो यू सी द एग्जाम्पल्स हियर ऑफ नोट मेकिंग वन नोट ऑन वन टॉपिक अनदर नोट ऑन अनदर टॉपिक एंड सी द क्वेश्चन हाउ द क्वेश्चन आर फ्रेम एडवर्टाइजमेंट नोट मेकिंग लेटर राइटिंग नोटिस ये सब में आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं वट इज द एग्जामिनर वॉन्टिंग यू टू डू वो क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाता है कि एग्जामिनर आपको क्या करना चाह रहा है इफ इट इज एन एडवर्टाइजमेंट ही विल गिव द मैटर फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड यू हैव टू राइट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द बॉडी दैट वी डिस्कस इफ इट्स अ लेटर यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट That we have discussed, and if it's a notice, likewise, you have to do it as is very clear. So, here are some examples of advertisement again, you can see them. Similarly, examples of notice also here. There are plenty of examples, and one after another. You can also see the letters. and different types of letters, both unofficial and official, business letter and official letters, and notes also, how to make note. so you have to practice this art. ये आपको कला का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, ये सतत रूप से अभ्यास करने पर इसमें आपको परिपक्वता हासिल होगी and this carries गुड डील ऑफ मार्क्स 20 तीस नंबर के सवाल इसमें आते हैं तो इट शुड हेल्प यू इन डूइंग वेल लेट सी डिस्प्ले एड्स क्लासिफाइड एड्स आर वेरी सिंपल एस टोल्ड टू यू नाउ इन डिस्प्ले एड यू सी हियर यू हैव फ्यू एड्स लुक एट द डिजाइंस इट हैव लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं है शब्द साइज भी अलग अलग हैं बॉर्डर बना हुआ है और कैची है सी द स्लोगन गिवन हरी एच यू डबल आर वाई हरी एंड देन इट राइट थर्टी परसेंट डिस्काउंट नाउ द मोमेंट यू रीड द वर्ड हरी योर अटेंशन इज ड्रॉन एंड देन इन बिग फोन इट राइट रेफ्रिजरेटर सैमसंग एंड सो ऑन सो फोर्थ Similarly, in the second one, the rounded letter, rounded word, Captain Pressure Cooker. That means this ad is about Pressure Cooker and which company? Captain. Now, see the style. Here again, it's a different style of advertisement where point by point he has mentioned at the bottom by using the dots. And the last one at the bottom is Sujitha Garment. Very brief, but see the heading. Fresh stock arrival. Now, the moment you read fresh stock arrival, you immediately get down to the next line where address, contact, detail, etc. And so, address, contact, details can be small because if I am interested in these garments, I am bound to look down to search for address. So, that is small. But what is big? Big size is Sujita garment. And so, this is one set of example to tell you the, the, the different types of ads see the educational ad here realize your dream this is a catchy statement that the organization is making realize your dream and by catching your attention it is trying to make sure that you read it and at the bottom

टाइटल देखिए आप उसका ऊपर शीर्षक देखिए धूम मचाले और ये धूम मचाले पूरी जगह लिखा हुआ है आपका ध्यान पूरा वो धूम मचाले पर चला जाता है कि ये क्या है किस चीज़ के बारे में और फिर धीरे से वो लिखता है धमाल डीजे, डीजे के लिए है जो व्हाट इज डीजे, डिस्कोथेक प्लेटफॉर्म जो रहता है डीजे जो आप शादियों वगैरह में सुनते हैं उसका अपना विज्ञापन है जिसमें उसने अपने तई धूम शब्द का उपयोग किया है धूम मचाले जैसा कैची वर्ड दिया है इन ऑर्डर टू ड्रॉ आर टेंशन और बॉटम में देखिए कॉन्टैक्ट इज़ वेरी क्लियर ये कॉन्टैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत बार हम विज्ञापन देते हुए हम भूल जाते हैं कि एक नीचे कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है किसको कॉन्टैक्ट करना है

बाकी जो बॉडी है जिसके बारे में हमने चर्चा की कि सबसे ऊपर आपको संस्था का नाम लिखना है उसके बाद आपको नोटिस शब्द लिखना है फिर उसके बाद किस चीज़ के लिए नोटिस है वो लिखना है कंटेंट किस किस बात के लिए है तो देखिए ये बॉडी है और फिर बची हुई चीज़ जो है उसको अपने तरीके से बॉक्स के अंदर लिख दिया है सबसे नीचे नोटिस देने वाले का नाम और पता ये डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी किसने नोटिस दिया है किसने नोटिस लगाया है चस्पा किया है दैट मजब बी वेरी क्लियर नाउ यू कैन सी हियर सम ऑफ द नोटिसज सम ऑफ द टाइप्स ऑफ नोटिसज एट आई टोल्ड यू देर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स देर आर एन टाइप्स ऑफ नोटिसज बट लेटर जस्ट है लुक एट दिस वन इज यू आर प्रदीप वर्मा कैप्टन ऑफ इंदिरा हाउस इन योर स्कूल एंड इन सरस्ती विद्यालय दुर्ग एंड यू हैव फाउंड ए ब्लेजर lying somewhere so now you have to make one ad or one notice informing everyone so see the content that on the top you have saraswati vidyalaya written the full address because who is the one who is making this notice second is notice word in capital and then you have the purpose found a blazer नाउ फ्रॉम द वर्ड फाउंड ए ब्लेजर इफ समी रीड्स इट जिसका ब्लेजर गुमा है वो तुरंत पूरा पढ़ेगा और जिसका नहीं गुमा है वो उसको पढ़ने के बाद अपना आगे बढ़ जाएगा उसे जरूरत नहीं आगे पढ़ने की ही डोट हैन सी द बॉडी कहाँ मिला ब्लेजर किस स्थिति में मिला और लास्ट में किस से किया जाए प्रदीप वर्मा से कांटेक्ट करें तो उसने अपना नाम लिख दिया है और तारीख़ बाजू में लिखी हुई कि किस तारीख का है कितनी पुरानी घटना है ये नोटिस कितने दिन तक टंगा रहेगा कई दिन टंगा रहेगा सो दिस इज द नेक्स्ट वन इज़ यू कैन सी दैट्स द नोटिस अबाउट कल्चरल इवेंट एंड इन कल्चरल इवेंट यू आर गीता सहगल कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल एंड ऑर्गेनाइज्ड An inter-house singing competition as part of annual day celebration. Now, have notice board so that you want to invite participant. See the content again. The top, the name of the school, Sunrise High Secondary School. Then you have notice word out there, and then you have the very purpose. Third line, as I said, inter-house singing competition. Then the content.

अंग्रेजी शब्दों का भंडार आपको बढ़ाना होगा नेक्स्ट नोटिस इज अबाउट वर्कशॉप एंड दैट टू वेरी स्पेसिफिकली क्लियर इंग्लिश वर्कशॉप बाय डी ए वी स्कूल अब यदि मैं इस नोटिस को पढ़ूँ तो इस नोटिस को पढ़ने से मुझे बड़ा स्पष्ट जाता है कि नो टाइम आई कैन मेक आउट वॉट एग्जैक्टली आई हैव टू डू विद दिस नोटिस यदि मुझे डिटेल जानना है कि वर्कशॉप कितने बजे है किस कक्षा वालों के लिए है कहाँ पर है तो बाकायदा स्पष्ट है देर वुड बी टू सेशंस एंड ऑफ वन आर ऑफ दिस ड्यूरेशन प्री लंच एंड पोस्ट सेशन पोस्ट लंच सेशन किसको कांटेक्ट करना है मैंग का नाम लिखा हुआ है और मैंग कौन है सेक्रेटरी इंग्लिश क्लब सो थिंग्स आर वेरी क्लियर आउट हियर ही इंटरनेशनल स्कूल एक थ्री डे लॉन्ग साइंस एग्जीबिशन टू ऑर्गेनाइज फाउंडेशन सेलिब्रेशन के नाम से and as a head girl, a notice is to be displayed at different schools, at different levels. what is the circular? again, the same thing. you will see that names are written, name of the place, the notice, thereafter the subject, then the body and the sender. so notice, i hope, through all these examples, you should be better placed to understand how to write a notice.

एंड हु इज सेंडिंग द टेंडर दिस नोटिस चीफ इंजीनियर इज सेंडिंग दिस नोटिस चीफ इंजीनियर आजमगढ़ यू पी और तारीख दी हुई है क्योंकि तारीख देने के पीछे मकसद ये है कि टेंडर को जमा करने की भी आखिरी तारीख इस टेंडर नोटिस में दी हुई है तो किस तारीख को ये इशू हुआ ये नोटिस आखिरी तारीख कौन सी बनेगी ये स्पष्ट हो जाता हूँ एंड द लास्ट वन इज नाउ यू रीड द वर्ड ऑफ बी चूअरी ओ बी आई टी यू ए आर वाई ओबीचुअरी योर ग्रैंड फादर एक्सपायर्ड राइड एन ओबीचूरी ऑन बिहाफ ऑफ योर फैमिली टू बी पब्लिश इन ऑल न्यूज़ पेपर शोक संदेश एक लिखें अपने परिवार की ओर से जो सभी पेपरों में जाए नाउ रीड द ओबीचुअरी और अबीचूरी की भाषा भी बड़ी स्टैंडर्ड होती है उसको बहुत सोच के लिखना होता है क्योंकि एक शोक संदेश है एक ऑफिशियल संदेश है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म द सडन डिमाइस ऑफ सो एंड सो ऑन दिस डेट ही वॉज एट्टी सेवन ईयर ओल्ड सो यू कैन सी द होल कंटेंट पूरा उसमें डिस्क और लास्ट में लिखा है द फ्यूनरल विल टेक प्लेस ऑन दिस अब पेपर में हमने छाप दिया कि इनकी डेथ हुई है तो पेपर पढ़ने पर इच्छा होगी जानने की संबंधित लोगों की कि इनका फ्यूनरल कब होगा फ्यूनरल मतलब शव यात्रा तो शव यात्रा कितने बजे और कहां से निकलेगी और कहाँ जाएगी ये मेंशन होना यह बताना जरूरी हो जाता है सो ऑबिचुरी इज ऑल्सो ए वेरी टेक्निकल थिंग राइट सो विद दिस डियर चिल्ड्रन अवर दिस चैप्टर इज ओवर हमारा ये एक अध्याय जो अनसीन पैसेज पे था जो कॉम्प्रिहेंशन पे था जो नोट मेकिंग पे था और समरी पे था समरी अर्थात नोट है नोटिस पे था एडवर्टाइजमेंट के बारे में जिसमें बात हुई ये आपका यहां समाप्त हुआ और बड़े विस्तार से कोशिश की गई है कि आप इनके मीनिंग ही ना जाने बल्कि इनको कैसे बनाना ये भी जाने एंड आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू आंसर अनसीन पैसेज हाउ टू मेक नोट हाउ टू मेक समरी हाउ टू राइट नोटिस एंड ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट तो इस प्रकार एक अच्छी एक्सरसाइज और बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं एक्सरसाइज के लिए टो होप यू हैव अंडरस्टूड क्वाइट ए लॉट ऑफ इट एंड यू विल प्रैक्टिस इट एट होम और ज्यादा अभ्यास करें जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको इन चीजों में आ, महारत हासिल होगी पकड़ हासिल होगी और यू विल परफॉर्म बेटर